ऐसे देखा जाए वैसे इंटरनेशनल लेवल्स पे, जैसे कि पाकिस्तान आज कंगाल हो गया, तो कहीं ना कहीं लोग इसके पीछे मोदी जी को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो आप अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर कोई तीसरा कैंडिडेट? एक्चुअली नरेंद्र मोदी। एक्चुअली कांग्रेस के पास में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिससे जनता को भरोसा हो सके। राहुल गांधी है ना? राहुल गांधी इतना इमैच्योर जैसे शो करता है, तो इस वजह से जनता को भरोसा नहीं होता कि वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा देश को। कोई ऐसी चीज जिससे आपको इमैच्योर लगा हो? कई बार उनके जो ऐसे भाषण आते हैं तो ऐसी बातें कर देते हैं वो, जैसे आलू से सोना बनाने वाली। वो तो काटा पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। हाँ पॉसिबल तो नहीं, बट वो एक काटी हुई क्लिप थी, उस पे तो क्लियरिफाई भी हो गई थी चीजें। हाँ लेकिन ऐसा लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि वो देश को संभालने लायक उतना जिम्मेदार इंसान नहीं है जितना होना चाहिए। वैसे जो क्लिप्स और वीडियोस हैं उससे उनकी छवि चेंज हो गई, उससे छवि चेंज हुई है, तो लोगों को कम रहता है कि वो संभाल पाएगा इंटरनेशनल लेवल तक, वो देश को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी बातें लगती हैं? ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं कई चीज़ों में, गांव के लिए, किसानों के लिए भी अच्छा काम किया है और रोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं, सोलर प्लानेट का नई नई इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, तो जैसे किस तरीके के काम भी बढ़ रही है, तो देश का विकास हो रहा है और दूसरे देश रिलायबल हो रहे हैं अपने पे। क्या बोलते हैं, जैसे रक्षा आर्मी एरिए में, इसमें जैसे पहले ये लगता था कि चीन थोड़ा सा स्ट्रोंग है, आज अपन दूसरे देश के सामने कंपटीटर है हर चीज़ में। चीन तो अभी भी अपने कुछ हिस्से पे कब्जा कर रहा है, कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है लेकिन अब और देश भी अपना साथ दे रहे हैं, जैसे कई अभी वीटो पावर की बात आ रही है, तो वीटो पावर के लिए और देश भी अपना साथ दे रहे हैं कि हाँ अब इंडिया को विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहिए, वीटो पावर मिलना चाहिए, तो वो अच्छी बात है, वीटो पावर मिलता है तो भारत को। आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, मेरा मानना है कि बीजेपी को ही आना चाहिए, बाकी जो मोदी ने जो किया है वो बहुत किया है देश के लिए, जो राहुल गांधी ने शायद नहीं किया जब उसकी सरकार थी। तो क्या चेंजेस हैं जो कांग्रेस के बाद बीजेपी लेके आई है, जिनके कारण आपको लग रहा है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी आप नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे? ना आज हर क्षेत्र में देखिए, आज आतंकवाद कितना खत्म हो गया है, पहले कितना आतंकवाद था, अभी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सब चीज़ों पे रोक लगा दी गई है। पहले क्या था कि हर चीज़ में भ्रष्टाचारी होती थी, अभी वो चीज़ नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली मोदी को ही आना चाहिए ना। 75 साल अपन ने कांग्रेस को दिया है, तो कुछ टाइम अपन और दूसरे कैंडिडेट को भी देना चाहिए, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सुधारने में, तो धीरे धीरे और अपन अच्छा धीरे धीरे सुधरेंगे तो देश भी सुधरेगा। 75 साल में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपने स्तर का विकास नहीं किया? एक्चुअली किया है, लेकिन अब अभी भी मोदी तो कर ही रहे, ऐसा नहीं है कि मोदी ने बाहर भी जाके अब अपनी छवि को चेंज किया भारत को। लोगों को पहले लगता था कि हाँ चीज़ें नहीं मिलती, विकसित नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं, आज बाहर वाले अभी ईरान में, इधर रशिया में जो हुआ है, तो वहाँ पे ट्वीट आया था कि यदि मोदी इनिशिएट करे तो शायद ये युद्ध रुक जाए। किसने किया था ट्वीट? ये शायद यूक्रेन का ऐसा कुछ आया था, ट्वीट आया था, तो इससे लगता है कि हाँ ऐसा तो कोई ट्वीट मेरी नजर में ऐसा था, ट्वीट एक था, नहीं वो यूक्रेन की तरफ से नहीं, वो चीज़ें वायरल हुई थी भारत में, लेकिन इनिशिएट तो लोगों को बिलीव है ना कि ये हो सकता है। वो एक ऐड आया था जिसमें वो लड़की बोल रही थी कि मोदी जी ने वो रोक दिया, नहीं, उसके बाद से वो सब कुछ आया था उनके मंत्रालय की तरफ से, नहीं कि यदि इनिशिएट करे तो शायद कुछ शांति बहाल हो सकती है, तो एक अच्छी चीज है कि यदि ऐसा होता है, तो यदि भारत अपन किसी से शांति बहाल करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़। हाँ वो तो अच्छी है, लेकिन एक बीजेपी सरकार पे लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उनके कार्यकाल में एक तो महंगाई और एक बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पे बढ़ी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो धीरे धीरे वो चीज़ भी ठीक होगी,
कांग्रेस के टाइम में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, सबसे बड़ा घोटाला था, होने को तो उनके टाइम में था। घोटाले की अपन बेरोजगारी और महंगाई से तुलना थोड़ी कर सकते हैं। घोटाला यदि घोटाला होगा तो पैसे तो जनता के ही जा रहे हैं ना, उसमें भी बेरोजगारी तो बढ़ेगी। बेरोजगारी का जनता के पैसे के जाने से क्या मतलब? वो तो नहीं, आपकी बात सही, वो घोटाला था, उसमें वो लोग आरोपी थे, उसमें उनको सजा भी हुई, लेकिन उसका बेरोजगारी और महंगाई से क्या लेना देना? एक्चुअली जैसे एम्प्लॉयमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अभी एंटरप्रेन्योरशिप वाला चला रहे गवर्नमेंट के, हाँ कि यदि इंसान खुद डेवलप होगा तो काम खुद ले आएगा वो, तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट में भी सुधार होगा धीरे धीरे। अब अपन कोई ऐसे सोचे कि एकदम से कोई भी चीज़ अपने, लेकिन जो सरकारी भर्तियाँ उनमें पेपर लीक जैसे दिक्कत है, तो कांग्रेस के टाइम भी हुई थी। नहीं, कांग्रेस के टाइम हुई थी, लेकिन एक तो इतनी बेरोजगारी, ऊपर से फिर जो पेपर हो रहे हैं उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे कमान नहीं खींची जा रही। राजस्थान में देखिए 5 साल कांग्रेस थी, तो डोटासरा के टाइम में एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा हो कि हाँ मैं शिक्षा मंत्री थे तब, कि मैं जाने वाला हूँ, यदि कोई भी काम करवाना है तो आप करवा लीजिए, तो वो तो घोटाला तो उनके टाइम भी हुआ था। अभी एग्जाम लग रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं कि यहाँ पे जाके ये पेपर घोटाला हुआ है, तो टाइम देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। टाइम कितना आप, कितना अपने विचार से सोच रहे हो? तो अभी तो ये वाली सरकार आई है बीजेपी यहाँ पे राजस्थान में, तो अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं कि कहीं पे है ना जो घोटाला हुआ है पेपर लीक की ऐसी। और राजस्थान में अभी पहले कांग्रेस थी। तो अभी अपने साथ 12th क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनसे अपन जानते हैं कि वो अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम लवी जैन है। अपना? दारा सिंह चौधरी। अपना? देवांश पालीवाल। तो अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर कोई तीसरा कैंडिडेट? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मोदी ने अभी कुछ किया नहीं है। कुछ नहीं किया? क्या किया है तुम बताओ? कुछ खास नहीं किया। ये बताओ, ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम IIT की तैयारी कर रहे हैं, 9 IIT बढ़ाएंगे, 16 तेरे एम्स बढ़ाए हैं, ठीक है। और यहाँ से पहले जो तेरे कांग्रेस ही ना, हमारे एक भी एम्स या फिर एक भी IIT ना बढ़ाई, 9 IIT बढ़ाई है और 16 एम्स बढ़ाए, जाके तैयारी कर रहे हो भाई की जानकारी होनी चाहिए भाई, तो ठीक है। 9 IIT और 16 एम्स को मतलब जाना कितनी सीटों में, अब तू लगा ले भाई, तैयारी कर रहे हो इतना पता होगी तो। और अगर गेलो वो राहुल गांधी रहता तो ऐसी आज तक सीट नहीं बनाई यार, पहले कांग्रेस ही तो ही, अभी तक आए नहीं, आने तो दे बात, अरे यार पहले कांग्रेस ही तो ही भाई, इन सब की शुरुआत तो कांग्रेस के कार्यकाल में है। अरे सुनो सही, आप 70 साल के कार्यकाल में उन्होंने इतनी सी IIT बना की थी मोदी जी ने, इतनी टाइम में बना दिया, 10 साल में अभी यहाँ साल भी आएगा, पक्की बात है आएगा यार, 10 साल में 9 IIT बढ़ा दी हुई है। यहाँ से पहले इंदिरा गांधी कितने साल से रह रही है, मैंने कुछ ना बढ़ाया, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में भी एक ही बड़ी वह टाइम, उससे पहले कुछ ना बढ़ो, मैं तो इतना ही जानूंगा। और आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो भी बहुत कुछ कार्य किए मोदी जी ने, जैसे कि अब देश का तो क्या बोले, जैसे कि मणिपुर वाला, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है सेंट्रल के साथ साथ, पर नहीं जिम्मेदार तो है, पर एक प्रधानमंत्री के तौर पे ऐसे मामलों में उन्हें भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए, अपने स्तर की कोशिशें करनी चाहिए। सही बात है, पर कुछ कुछ पॉइंट्स तो हर गवर्नमेंट में नेगेटिव होते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी नेगेटिव था, इमरजेंसी वगैरह लगाई थी उन लोगों ने तो। और ऐसे देखा जाए वैसे इंटरनेशनल लेवल्स पे, जैसे कि पाकिस्तान आज कंगाल हो गया, तो कहीं ना कहीं लोग इसके पीछे मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं। इसी दूसरे देश को कंगाल करना अच्छी बात है। बिल्कुल यार, अच्छी बात है। क्यों भैया, रातों रात उनने बालकोट एयर स्ट्राइक करवाई, उनने रात रात खत्म कर दी भैया, उसमें वहाँ की आम जनता का रोल थोड़ी था, भूखमरी से तो वो भी परेशान हो रहे हैं, पर जिम्मेदार उनकी गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट तो उसका वो बदला उस तरीके से लिया गया ना, फिर बढ़िया बात है भाई। उनकी 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 बात सुने करो, उनके जो छोटे छोटे बच्चा है ना मुसलमान भाई, एक दिन हम हाँ भाई पूरा वो कब्जा कर लेंगे, गजबाए हिंद बोलते हैं, गजबाए हिंद कर देंगे वगैरह वगैरह, यानी क्या क्या बोलते हैं यार, ऐसा ये सब दिखावे की चीजें होती हैं, हिंदू मुसलमान सब एक ही है, आप तो अभी बच्चे हो, स्टूडेंट हो, उस हिसाब से सोचो। मैं मथुरा से हूँ, योगी से पहले इतने कट्टा चले हमारे वहाँ पे भैया, रात रात एकदम में कोई मतलब मैंने अपने आंखों से देखो भैया कि मतलब योगी से पहले पापा के पास भी कुछ हो मेरे के पास, अब तो सब शांत है। मैं मथुरा से हूँ, अब भी अपने रखते हैं लोग, रखते हैं उनको, कौन है रखते हैं, चलते नहीं है, चलाने वाले तो हिम्मत हो तो निकालो कोई भी हो यार। ये यूपी की बात कर रहे हो हैं, योगी सरकार के बीजेपी? हाँ वो बीजेपी एक ही बात, अगर वहाँ कट्टे चला दिए तो बुलडोजर भी चल जाएंगे फिर साथ में। ऐसा है।
पूरे मतलब मोदी जी को आइडल मान के बैठे हो। पागल है आइडल तो क्या, कोई अपोजिशन अच्छा होना चाहिए था जब अपोजिशन की भी तारीफ करते। मतलब अपोजिशन बेहतर दिखे तो मोदी को पीछे छोड़ के उसका भी साथ दे सकते हो आप। अभी अपोजिशन लीडर अगर अच्छा होता, अभी तो वोट नहीं है आपका, वोट होगा कितने अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, देख क्या होगा वोट। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी को सपोर्ट करो।